झारखंड के मंत्री लूट रहे मौज। मंत्री के पीएस के नौकर के घर छापा, नौकर के घर मिला नोटों का पहाड़, करोड़ों कैश देख उड़े सबके होश। मारा छापा, ईडी की बड़ी कार्रवाई, इतनी काली कमाई कहां से आई? देख रहे हैं आप, ये कोई नोट बनाने की फैक्ट्री नहीं और ना ही किसी बैंक में रखा कैश है, ये तो साहब के नौकर का कमाल है। बाबूजी की हाथ की सफाई ऐसी है कि काले धन का पहाड़ ही खड़ा कर दिया। ये देख ईडी के भी होश उड़ गए। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर ईडी ने भारी नकदी जब्त की है। सूत्रों के मुताबिक नकदी 20 से 30 करोड़ रुपए के बीच होने का अनुमान है। फिलहाल नोट गिनने वाली मशीनें लगाई गई हैं। ईडी ने कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2023 में झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र के राम को गिरफ्तार किया था। ईडी का मानना है कि काली कमाई का हिस्सा है। दरअसल ईडी 10,000 रुपए रिश्वत के मामले की जांच कर रही थी और उसी दौरान ईडी को कुछ ऐसी कड़ियां मिली जिसके तार मंत्री तक जुड़ते चले गए। ईडी को जानकारी मिली थी कि आलमगीर आलम के मंत्रालय में भ्रष्टाचार चल रहा था और ये पैसा नौकरों के घर पर जा रहा था। इसके बाद ईडी ने आलमगीर के निजी सचिव के नौकर के घर पर छापेमारी की और वहां इतना कैश देखकर ईडी भी हैरान रह गई। कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी जब झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने करप्शन का मुद्दा उठाया था और उनकी रैली के कुछ दिन बाद ये कार्रवाई हुई जिसमें बड़ी मात्रा में कैश मिला। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इसे लेकर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, काउंटिंग होने दीजिए, ये गिनती 50 करोड़ तक जाएगी। पूरी झारखंड सरकार गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में भी झारखंड में बड़ी संख्या में कैश बरामदगी हुई थी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों से आईटी ने 350 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया था। इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि छापेमारी में जो कैश बरामद किया गया वो उनकी शराब की कंपनियों का हिस्सा है। शराब का कारोबार नकदी में ही होता है और इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तब बीजेपी विधायकों ने कहा था कि धीरज साहू ने ये संपत्ति झारखंड के संसाधनों का दोहन और गरीबों का हक मारकर एकत्रित की है। बीजेपी विधायक विधानसभा हाउस में अपने अपने गले में प्ले कार्ड पहनकर आए थे जिस पर लिखा था कि कांग्रेस का काला साम्राज्य। उस समय आलमगीर आलम ने धीरज साहू का बचाव किया था। आलमगीर आलम ने धीरज साहू का बचाव करते हुए कहा कि मामला विधानसभा का नहीं है, बीजेपी अपनी राजनीति चमकाने के लिए विधानसभा को बतौर प्लेटफॉर्म यूज कर रही है जो कि ठीक नहीं है। न तो आईटी ने अभी तक कोई बयान दिया है, वैसे भी पैसे सिर्फ धीरज साहू के नहीं है बल्कि उनके व्यवसायी परिवार के हैं। गौरतलब है कि आलमगीर आलम पाकुड़ विधानसभा से कांग्रेस के 4 बार विधायक रहे हैं और अभी राज्य सरकार में संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए क्या मंत्री जी के घर पहुंचती है और कितनी बड़ी कार्रवाई आगे भी होती है और ऐसे नोटों के पहाड़ और कितने मिलेंगे? सर्च जारी है।